जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज योर जीपी, आपका जीपी सीक्वेंस कैसा है? आपका सीक्वेंस रहेगा ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ओके, वेयर ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड आपका आर होता है कॉमन रेशियो डिनोटेड बाय सी आर। ओके, एक कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होता जाएगा। व्हाट इज योर टी एन? लास्ट टी एन, इसमें टी एन क्या होगा? एंड टर्म। दिस इज टी वन, दिस वन टी टू, थर्ड टर्म में आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म में आर क्यूब, एनथ टर्म में क्या होगा? आर इनफाइनाइट। आर आर एन, आर एन माइनस वन, आर एस एन माइनस वन, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, दैट इज योर एनथ टर्म। क्योंकि सेकेंड टर्म में आर पावर वन आ रहा है, एक कम हो रहा है, थर्ड टर्म में आर पावर टू आ रहा है, एक कम हुआ, फोर्थ टर्म में आर पावर थ्री हुआ, एक कम हुआ, तो एनथ टर्म में ए आर एस टू एन नहीं होगा, तो ए आर टू दी पावर एन माइनस वन होगा, एक कम होगा। This is your nth term. And SN. SN का मतलब इसका सम, A plus AR plus AR square, sum of first n terms. AR cube and so on up to AR to the power n minus 1. इसका सम होगा A into 1 minus R raised to n upon 1 minus R. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस एन। ये लिखो और यू कैन राइट ए इंटू आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये लिख सकते हैं। ओके, अब कुछ बुक्स में देखोगे ऐसे लिखा हुआ है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू दी पर एन अपॉन वन माइनस आर इफ मॉड आर लेस देन वन and a into r to the power n minus 1 upon r minus 1 if mod r more than 1. Is there any difference between these two? ये दोनों के बीच में कुछ difference है क्या? Sign अलग है। Sign कहाँ अलग है? इसमें negative गया, इसमें भी negative common गया, दोनों में negative negative कैंसल हो गया ना, फिर ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो नथिंग टू रिमेम्बर इन टू डिफरेंट वेज। ओके, बोथ आर इक्वल, तो आप ये याद रखो, नहीं तो ये याद रखो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं, बट कंडीशन रहेगा कि आर इज नॉट इक्वल टू वन, कंडीशन रहेगा आर इज नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि आर जब वन होगा ये अनडिफाइंड होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, देन बोथ बिकेम अनडिफाइंड। ओके, R1 होगा तो एक्चुअली आपका सीक्वेंस क्या होगा? इफ R इज इक्वल टू 1 तो आपका सीक्वेंस क्या हो रहा है? A जीरो हो जाएगा सर। कहाँ जीरो होगा सर, A सिर्फ A ही रहेगा, A A A A A ऐसे रहेगा, तो हाउ मेनी टाइम्स इसका सम कितना हो जाएगा? हाउ मेनी टर्म्स, ये एस एन में कितने टर्म्स होता है? एस एन में कितने सारे टर्म्स होते हैं? एन टर्म्स,
n terms, that's why it is called Sn. So how many times a you will get? N. N times. So answer kya ho jayega? N into a if r is equal to 1. ये फॉर्मूले में सेटिस्फाई नहीं होगा, ये फॉर्मूले में अनडिफाइंड दिखेगा, बट एक्चुअली दिस इज द कन्वर्टेड इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन इज द दिस वन। तो आर की जगह मैं वन डाल, वन यूज करूंगा, तो मुझे ईच एंड एवरी टर्म ए दिखेगी, ए ये भी ए हो जाएगा, ये होगा, ये भी ए होगा, दिस वन ऑल्सो बिकम ए, तो एन टाइम्स ए विल गेट। तो एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा एन ए, अनडिफाइंड नहीं होगा, इसमें डालोगे तो अनडिफाइंड होता है। Okay, but this is the not original question. Original question is the this one. Ye converted wala. So this is the formula of Sn. Sn ka formula hoga A into 1 minus R to the power N upon 1 minus R likho ki A into R to the power N minus 1 upon R minus 1 likho. Koi ek hi use karo, dono ke sath mil jao. Provided R is not equal to 1. If R equal to 1, then Your answer will be n into a. हाँ क्या बोल रहा है इतांशु? तर ये निकल के दर पे अच्छा निकाल दिया। क्या सुना नहीं इधर है? नहीं सर कुछ नहीं कुछ नहीं। ये थे ना r is equal to one. R equal to one? सर हाँ सर, फिर आप लिखे थे ना ए प्लस ए प्लस ए। हाँ वो नहीं समझा आपने, लिखा इधर आर इज इक्वल टू, आर नॉट इक्वल टू वन और आर इज इक्वल टू वन, तो वो नहीं समझा। डालो ना इसमें, इसमें आर के जगह वन डालो। सर वो समझा। हाँ सर समझा, आपने आर इज इक्वल टू वन डाल, लेकिन आपने ये भी तो लिखा है आर इज नॉट इक्वल टू वन। R equal to not equal to 1 होगा तो ये फॉर्मूला आएगा। आपका 10th में हुआ था ना, आपको क्या चाहिए? नहीं था हमको, आपको क्या चाहिए बताओ? नहीं सर मैं पूछ रहा था कि आपने ऐसा कैसे लिखा R equals to 1 जबकि आपने पहले ये लिखा R is not equal to 1। बेटा मेरे को वो नहीं समझ आ रहा था। R equal to one करेंगे तो इसमें डालो, R की जगह one डालो। ये क्या होगा? N आएगा। हैं? N times of it। अच्छा ये इसका zero हो जाएगा। हाँ तो denominator zero होगा तो क्या होगा? Undefined, undefined। हाँ तो undefined होगा तो हम कैसे रखेंगे? इसलिए मैंने R का कंडीशन रखा कि R is not equal to one। Okay sir, okay sir समझ गया। समझ गया sir। हम जब लगते कि tan theta कंडीशन क्या रहता है, theta is not equal to pi by 2, क्यों होता है? थीटा जब पाई बाई टू होता है ये अनडिफाइंड होता है, तो कोई अनडिफाइंड चीज को लिखते नहीं ना। ठीक है सर, तो मैं सर निकाल रहा हूं, मैं अनडिफाइंड लिखूंगा तो क्या फायदा होगा? मुझे डिफाइंड चीज चाहिए ना। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसएन, ये आपका टीएन का फॉर्मूला, ये होगा एसएन का फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला होता है एस इंफिनिटी। एस इंफिनिटी का मतलब होता है लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एसएन, मतलब एसएन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल होता है, बट यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स अनकाउंटेबल हो जाएगा, आप काउंट नहीं कर पाओगे, दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो इसमें दो केसेस आता है, मॉड आर, इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर प्रोवाइडेड मॉड आर लेस देन वन।
मोडा लेस देन वन का मतलब होता है आर लाइज इन बिटवीन माइनस वन से लेके प्लस वन। अच्छा जीपी के लिए कंडीशन रहेगा आर इज नॉट इक्वल टू वन, आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब आर आपका जीरो होता है आपका जीपी बनता ही नहीं, आर जीरो होगा तो सब जीरो हो जाएगा ना। तो ये कंडीशन होता है कि आर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, कॉमन रेशियो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, आर जीरो होगा तो आपका सीक्वेंस बनेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी मॉड आर लेस देन वन का मतलब होता है आर लाइज इन बिटवीन माइनस वन से लेके प्लस वन, बट आर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, दोस वैल्यू लाइज इन बिटवीन जीरो टू वन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। सपोज आर इक्वल टू हाफ, आर स्क्वायर का वैल्यू कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। इफ आर इक्वल टू वन बाय टू स्क्वायर क्यूब पावर फोर करेंगे तो ऐसा ऐसा कम होता जाएगा। ठीक है, तो आपका आर ग्रेटर देन आर स्क्वायर ग्रेटर देन आर क्यूब ग्रेटर देन आर रेस्ट फोर, जब पावर इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा तो आपका वैल्यू क्या होगा? जीरो, जीरो की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो दैट टाइम आर टू दी पावर एन क्या होगा? जीरो की तरफ जा रहा है क्योंकि एन टेंड्स टू इंफिनिटी, आर टू दी पावर एन जीरो की तरफ जा रहा है। योर आंसर हो जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर, राइट। बट जब r का वैल्यू 2 होगा, सपोज r का वैल्यू मैं मोर देन 1 कर रहा हूं, तो r स्क्वायर r क्यूब r पावर 4 करेंगे तो क्या होगा? ग्रेट होगा, बड़ा होगा सर, बड़ा होता जाएगा। तो r टू द पावर इंफिनिटी क्या होगा? इंफिनिटी, टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। बट एक केस में आपका r टू द पावर इंफिनिटी जाएगा 0 की तरफ जा रहा है। तो जब एक r to the power infinity, r to the power infinity, infinity के तरफ चला जाएगा, ये पूरा undefined हो जाएगा। समझा? तो इसलिए Sn का formula exist करेगा when mod r less than 1, mod r less than 1 बोलो, नहीं तो r lies in between minus 1 to plus 1 बोलो, that time Sn, S infinity exist करेगा। if mod r more than तो undefined होगा। ओके ठीक है, एक केस में हमारा एस इंफिनिटी नहीं निकल पाएगा व्हेन मॉड आर मोर देन और इक्वल टू 1, लेस देन 1 होगा तो यू विल गेट योर आंसर ए अपॉन 1 माइनस आर। दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ एस इंफिनिटी। समझा? हाँ सर। Tn, Sn and S
डन। यस सर। लाइक एपी में जैसे नोट किए थे, इसमें भी कुछ नोट्स करेंगे। लेट ए ए वन ए टू ए थ्री ए फोर एंड सो ऑन आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो आर। देन each and every term में if you add fixed value like AP में जैसे कहते हैं a1 plus k a2 plus k a3 plus k and so on whether they are in GP or not हाँ सर GP में रहेगा GP में रहेगा yes sir जीपी का एग्जांपल दो। जीपी का मतलब क्या होता है, कैसे जीपी आपको कैसे पता चलता है जीपी है, मतलब रेशियो कॉमन रेशियो। व्हाट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, आपका सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म जितना होगा, ये दोनों का रेशियो जितना होगा, ये दोनों का रेशियो उतना होगा, बराबर ना? एयर अपन ए जितना दे रहा है, एयर स्क्वायर अपन एयर उतना दे रहा है, एयर क्यूब अपन एयर स्क्वायर उतना दे रहा है। व्हाट इज द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो होता है एनी टर्म अपन इट्स प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो आप दिए 1248, ओके 1248 जीपी, 2 to 2 मल्टीप्लाई हुआ है, कुछ फिक्स वैल्यू ऐड करो, मैं सब में 3 ऐड कर रहा हूं, तो क्या होगा 4, 5, 7, 11 आर दे इन जीपी, जीपी हो रहा है क्या? नो सर, 5 by 4 is 5 by 4 is the 7 by 5 नहीं ना? नो सर। तो इफ यू एडेड फिक्स वैल्यू टू ईच एंड एवरी टर्म देन योर न्यू सीक्वेंस नॉट इन जीपी, ये जीपी में नहीं रहे। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन इंटू के ए टू इंटू के ए थ्री इंटू के ए फोर इंटू के वेदर दे आर इन जीपी और नॉट। यस सर दे आर इन जीपी में रहेगा, जीपी देर इन जीपी। कॉमन रेशियो क्या होगा? सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो के कैंसिल हो जाता है, ए टू अपॉन ए वन दैट इज आर विथ कॉमन रेशियो। जब कुछ पावर करेंगे तो ए वन टू दी पावर के ए टू रेस टू के ए थ्री रेस टू के ए फोर टू दी पावर के whether they are in GP or not? Yes sir. Yes. Common ratio क्या होगा? Common ratio will sir 2R हो जाएगा। क्या होगा? R होगा। Sorry sir. R is to K. Yes. R to the power. AP में ये AP हुआ था, ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। इसमें क्या हुआ? फर्स्ट टर्न नहीं हुआ, सेकंड थर्ड हो गया। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, इफ एबीसी आर इन जीपी देन बी इज कॉल्ड, लाइक एपी में होगा तो बी को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। यस मैम। हियर बी इज कॉल्ड जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। ओके, हियर बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन
a and c, okay, and b is equal to root ac, b is equal to root ac, check karo, a b c jab gp mein hoga to b by a is equal to c by b hoga, है ना, सेकंड अपॉन क्रॉस जितना होगा थर्ड अपॉन सेकंड उतना होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी हो गया, ये भी आप यूज कर सकते हो, बी स्क्वायर इक्वल टू एसी भी यूज कर सकते हो, दैट इंप्लाइज बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट रूट एसी होता है, इसमें हम पॉजिटिव रियल नंबर बिलोंग्स टू आर प्लस कर देता हूं, एक मिनट, if abc belongs to r plus and r in gp to isliye negative value nahi rakhenge only root ac rakhenge similarly if abcd r in gp then B and C are called two geometric means between A and D, and their product. उसमें हम sum लिए थे, इसमें product रखेंगे. B into C is equal to root AD का square. Instead of AD, मैंने लिखा root AD का square. क्योंकि मैं यही format follow कर रहा हूँ. First and last का root over. इसमें ए एंड सी का रूट ओवर, इसमें ए एंड डी का रूट ओवर, ये फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, यू कैन चेक दिस वन आल्सो, इफ एबीसीडी आर इन जीपी, बी को आप क्या लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू अंडर ए आर, ए आर लिख सकते हो, हां सर, सी को क्या लिख सकते हो, आप ए आर स्क्वायर लिखो, नहीं तो डी बाई आर लिख दो, आगे जाएंगे तो आर मल्टीप्लाई होगा, पीछे से आएंगे तो आर डिवाइड होगा, ठीक है ना, तो व्हाट इज द बी इंटू सी, ए आर इंटू डी बाई आर, कितना मिला, एडी, ये भी एडी मिला ना, बट मैं फॉर्मेट यूज करना चाहता हूँ फर्स्ट एंड लास्ट का रूट ओवर, फर्स्ट एंड लास्ट का ज्योमेट्रिक मीन यूज करना चाहता हूँ, इसलिए रूट एटी का स्क्वायर लिखा, अंडरस्टूड, हाँ सर, लाइक दैट, इफ ए बी सी डी ई आर इन जीपी देन दिस थ्री आर कॉल्ड थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स इन बिटवीन A and E and their product. किसका product? B into C into D. ये तीनों का product means का product क्या होगा? सर एक मिनट सर. Root A E to the power 3. इसमें दो mean था power 2 हुआ. इसमें एक mean था power 1 हुआ. इसमें तीन मीन थे तो कितना हुआ फर्स्ट एंड लास्ट का मीन टू दी पावर थ्री थ्री यस सर ओके तो इसको मैं जनरलाइज कर दूंगा तो इफ ए जी वन जी टू जी थ्री सो ऑन जी एन बी आर इन जीपी ये कितने सारे टर्म्स n g1 से लेके gn तक n geometric means in between a and b a and b okay and their product मतलब g1 into g2 into g3 and so on up to gn क्या होगा
a into root of a into b का raise to n. हाँ root of b power n. हाँ सर बराबर. हाँ सर. yes sir. yes sir. बट यहाँ पे नोट करो ये जब ये कब होगा जब ये जीपी सीक्वेंस में रहेगा. ओके अदरवाइज इफ ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन अप टू ए एन बिलोंग्स टू आर प्लस देन इनका एम कितना होता है ए वन प्लस ए टू ए एन तक प्लस होगा डिवाइड बाय एन. A1 plus A2 plus A3 up to plus AN upon N. Geometric mean क्या होगा? A1 into A2 and so on up to AN N all to the power 1 by N. 1 by N, yes sir. ठीक है? A arithmetic mean के लिए सबका sum by N. Geometric mean के लिए सबका product to the power 1 by N. तो इसमें not necessary they are in जीपी. ये कोई भी रैंडमली कोई भी एंट्रेंस हो सकता है. अंडरस्टूड? यस सर. राइट.
डन सर, थोड़ा ऊपर करो ना। डन सर। ओके नाउ सम कंपैरिजन इन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। If AB belongs to R plus, then आपका एम क्या होगा? A plus B by 2, and GM yes, क्या होगा? A plus B raised to 1 by 2. A into B, A into B, root over A into B, root AB, SC का geometric mean देखो ना, power 1 by 2, हाँ सर वो ही, power 1 by 2, A and C का geometric mean कितना था, root SC था, वो GP में था, इसलिए बीच वाला मतलब mean हो गया, otherwise root SC, okay, तो geometric mean आप AB होता है, root AB, आपका, yes sir, AM, always greater than equal to j. am always greater than equal to jm होता है, क्यों? already ab belongs to r plus am is half of root a minus root b का whole square, can I write more than equal zero? हाँ सर, complete square greater than equal zero, इसका whole square कितना होता है? A plus B minus 2 root AB greater than equal zero, yes sir, that implies A plus B greater than equal to 2AB, 2 root AB, 1 root B, yes sir, then A plus B by 2 divided by 2 करते हो root AB, A plus B by 2 क्या होता है? AM AM greater than equal to GM GM. Okay, so AM always greater than equal to GM, and AM is equal to GM. Equal कब होगा? जब equal sign ये equal ये equal ये equal ये equal, मतलब root A equal to root B. AM equal to GM only when A is equal to, ठीक है, दोनों इक्वल होगा तो यस सर। तो इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट देन आपका ए एम स्ट्रिक्टली मोर देन जीएम होगा, इक्वल साइन उधर नहीं आ पाएगा। तो इसको मैं जनरलाइज करूंगा तो इफ ए वन ए टू A3 and so on up to AN belongs to R plus, then also your AM greater than equal to GM, and AM is equal to GM only when your A1 is equal to A2 equal to A3 and so on up to A. If A1, A2, A3 and so on up to AN are distinct, distinct positive real numbers, then you have to use AM strictly more than जहां पे इक्वल होने का चांस है
देयर यू हैव टू टेक m ग्रेटर देन इक्वल टू gn, अदरवाइज m स्ट्रिक्टली मोर देन gn. ये भी नोट कर लो. लिख दिया पांच मिनट सर. सर ऊपर सर टेन सर नाउ डू दिस क्वेश्चन.
डन वन मिनट Third one, I think, right? What is your A? Two by nine. What is your R? Four by 27 upon two by nine. That is two by three. तो ए एंड आर मिल गया तो एस इंफिनिटी आपको निकालना है विच इज ए अपॉन वन माइनस आर ए द टू बाई नाइन अपॉन वन माइनस टू बाई थ्री वन बाई थ्री देन टू बाई थ्री दिस वन इज करेक्ट विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन 18 माइनस 12 8 and so on it is given 512 upon 729 what is your a here 18 aap check kar sakte ho what is the series aapka a into c if it is b square 18 into 8 144 this one also b square to ye gp mein aa raha hai So what is the common ratio R is the minus 12 upon 18 that is minus 2 by 3 so A 18 R minus 2 by 3 and question puch raha ki which term is the 512 by 729 let TN is the 512 upon 729 TN ka formula A into R to the power n minus 1 n minus 1 which is the 512 upon 729 a ek jagah 18 r minus 2 by 3 to the power n minus 1 is the 720 no 512 upon 729 minus 2 by 3 to the power And minus one, you'll get 512. 512 is the 2 raised to 9 upon 729. 729 is the 3 raised to 6 into 18. 18 is the 18 ko minute divide kar diya. 18 is the 2 into 3 square. तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा दैट 2 रेस टू 8 अपॉन 3 रेस टू 8 आपको ये दोनों n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों का बेस को सेम करना पड़ेगा तो दिस वन यू कैन राइट 2 बाय 3 रेस टू 8 आल्सो यू कैन राइट माइनस 2 बाय 3 टू द पावर 8 है ना इवन पावर था तो 2 बाय 3 का 8 पावर 8 जितना होगा माइनस 2 बाय 3 का पावर 8 उतना होगा अब दोनों कंपेयर कर सकते हो दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल होना चाहिए तो n माइनस वन इज इक्वल टू 8 n क्या होगा 9 मैंने लिया था कि लेटेस्ट nth टर्म इज द
5.812/729 तो नाइन्थ टर्म होगा करेक्ट आंसर। फाइंड सम ऑफ सीरीज क्वेश्चन 2/9 1/3 1/2 एंड सो ऑन। टू बाय नाइन क्या दिया गया, 2/9 1/3 1/2 and so on up to 81/32. It is like previous question. So and this is your GP, clearly GP आ रहा है इसका square 1/9, ये दोनों का product 1/9 हो रहा है, तो GP आ रहा है, what is the A? 2/9 R 1/3/2/9 That is 3/2. A B मिल गया, R B मिल चुका है. Let us take this is the nth term. T N. So T N is equal to 81/32. T N का formula A into R to the power n minus 1 is equal to 81/32. That implies 3/2 to the power n minus 1. 81/9/2/32. This is 3^6 मिलेगा upon 2^6. तो 3/2 to the power 6. अब सीधा सीधा मैं कंपेयर करूंगा, n minus 1 6 होगा तो n is equal to 7 होगा. तो दिस इज द सेवेंथ टर्म. अब क्वेश्चन पूछा कि इसका सम चाहिए, मतलब एस सेवन चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स एस सेवन चाहिए. एस सेवन का फॉर्मूला ए इंटू कितना, आप 1 - r^n / 1 - r डाल सकते हो, नहीं तो r^n - 1/r - 1 भी यूज कर सकते हो, विच इज ये एस एन का फॉर्मूला, नॉट एस सेवन का, एस एन. तो एस सेवन कितना होगा, ए ए की जगह 2/9 इंटू आर, आर की जगह 3/2 एन, एन इज द 7 माइनस 1 अपॉन 3/2 माइनस 1 विच इज 2/9. ये आपका मिल जाएगा 3^7 माइनस 2^7 अपॉन 2^7 होल डिवाइडेड बाय 1/2. तो एक 2 इधर एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 3^7 3^7 कितना 729 इंटू 3 2187 माइनस 2^7 128 अपॉन 9 × 32 87 28 59 2059 32 × 9 288 मिला, ये तो हो गया. अब टी एम प्लस एन इन द पी, टी एम माइनस एन इन द क्यू, देन टी एम पूछ रहा है. सर मुझे एक डाउट है, सेकंड वाला सम हम लोग ये वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं ना, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू ए माइनस एल आर अपॉन वन माइनस आर, उससे एन ढूंढने की जरूरत नहीं है ना. A minus L R upon 1 minus R. हाँ चलेगा, L is the last term ना. हाँ सर. हाँ ठीक है,
एल इज द लास्ट टर्म, मतलब ए आर टू दी पावर एन माइनस वन इन टू आर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ए आर रेस टू एन अपॉन वन माइनस आर, ए कॉमन गया. यू कैन डू दैट ऑल्सो, यू कैन यूज टी एम प्लस एन गिवन पी, टी एम माइनस एन गिवन क्यू, देन टी एम पूछ रहा है ना. What is the Tm plus n formula? A into r to the power m plus n minus 1. It is given P. A into r to the power m minus n minus 1. It is given Q. क्या चाहिए? A into r to the power m minus 1 चाहिए. Is equal to what? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट आपको एन टर्म एलिमिनेट हो जाएगा. आपका एन नहीं होना चाहिए इतना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से एन टर्म एन एलिमिनेट होता है. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का बेस सेम है, तो आर टू दी पावर ये दोनों का पावर एड होगा एम प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस एन माइनस वन is equal to p into q. So nn cancelled, m ka double minus 1 ka bhi double, that you can write a square into r to the power 2 into m minus 1, it is pq. This one you can write a into r to the power m minus 1 whole to the power square, whole square is equal to pq. So mujhe ye chahiye tha, a into r to the power m minus 1. आपको actually plus minus root p q मिलेगा. ओके, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कहीं पे पॉजिटिव टर्म्स, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बट जरूर नहीं कि p q आपका रूट p q ये करेगा. प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. माइनस कब होगा, ए नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव आर पॉजिटिव होगा तो रूट पी क्यू भी एग्जिस्ट कर जाएगा, प्लस माइनस दोनों भी आ सकते. समझाइए, फर्स्ट वन सेकंड वन सिमिलर क्वेश्चन था, थर्ड तो इजी था, एस इंफिनिटी, फोर्थ वन लिखना है. क्या हुआ फोर्थ, क्या हुआ,
आर एस टू एम प्लस एन माइनस वन फॉर्मूला तो डाला एम प्लस एन का फॉर्मूला यही होगा and out this
क्या हुआ, फर्स्ट वन नहीं मिला, बाकी सब मिल रहा है? डिस्कस करें? यस ओके फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फाइव टर्म्स ऑफ जीपी इफ द थर्ड टर्म इज 10। तो ये T3, T4 कितना होगा? इफ T3 इज 10, T4 को क्या लिखेंगे? 10 प्लस आर, आर इज 10 प्लस आर। क्या बात है, फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे? सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे? 10 डिवाइडेड बाय आर। फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे? 10 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्वेश्चन इज द देयर प्रोडक्ट, R square cancelled, R cancelled, तो 10 raised to 5, 5 times 10 मिला, समझा? Yes sir। तो यहाँ पे आप note भी कर सकते हो, जैसे AP में किए थे 3 terms upon AP, तो 3 terms of a GP क्या ले सकते हो? A, AR, 4 टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या कर सकते हो? हम उसमें 2D के अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब, यस, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर, आर क्यूब, जैसे उसमें 2D रखे थे इसमें आर स्क्वायर रखेंगे, बराबर? ऐसे आप ले सकते, नहीं तो आप ले सकते हो, मतलब ऐसा ए ए आर, ए आर स्क्वायर भी आप अप कर सकते हो। ये जाओगे तो ये जैसे आपको क्या हुआ, सब कैंसिल हो गया, तो आपको इजीली मिल गया आंसर, यू गेट लाइक दैट। यस सर। बाकी फोर्थ वन भी सबको मिला। फोर्थ वन क्वेश्चन क्या था? प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 216। मैं इसे ले सकता हूँ, ए बाई आर, ए आर, इनका प्रोडक्ट 216 है ना? यस सर। दैट इंप्लाइज ए क्यूब हो जाएगा 216, मतलब 6 क्यूब, देन ए हो जाएगा आपका 6। And some of their product taken in pairs. Some of their product taken 2 at a time. मतलब ये दोनों, ठीक है? ये दोनों का product कितना हुआ? A square by R. ये दोनों का product ए स्क्वायर आर, ये दोनों का प्रोडक्ट ए आर, नो ए स्क्वायर ओनली। इट इज गिवन 156। नाउ यू कैन टेक ए स्क्वायर कॉमन, यू हैव 1 प्लस आर प्लस 1 बाय आर, इट इज 156।
and a square is the 36, a का वैल्यू 6 वैल्यू, then 36 ये करेंगे तो कितना आएगा? That implies r plus 1 by r plus 1. square कहाँ से आया? हाँ? square कैसे आया? और क्या आएगा? नहीं पूछ रहा हूँ कैसे आएगा? दो को प्रोडक्ट करो ना, ये दोनों का प्रोडक्ट में क्या आएगा? दो के प्रोडक्ट में ओके सर। इज इक्वल टू 156 बाय 36 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये आएगा कितना? डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 226 ये 6 अच्छा ये 13 बाय 3 मिला। तो व्हाट इज r प्लस 1 बाय r 13 बाय 3 माइनस 1 यू विल गेट 10 बाय 3। ऐसे क्वेश्चन हम किए थे, कैन आई राइट 10 बाय 3 एज 3 प्लस 1 बाय 3? टेन बाई थ्री को हम थ्री प्लस वन बाई थ्री लिख सकते कि नहीं लिख सकते? यस सर। तो लेफ्ट साइड जो फॉर्मेट दिया राइट साइड वही फॉर्मेट दिया, लेफ्ट साइड हुआ आर प्लस वन बाई आर, राइट साइड हुआ थ्री प्लस वन बाई थ्री। अब आर की जगह क्या आ सकता है? थ्री। इफ यू कंपेयर दिस टू, आर की जगह क्या आ सकता है? थ्री नहीं दो आएगा, थ्री होगा और वन बाई थ्री होगा। वन बाई थ्री भी आ सकता है, R 3 रखेंगे तो ये 1 by 3 होगा, R 1 by 3 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा ना। तो there are two values of R, one is the 3, another one is the 1 by 3, ठीक है? तो आपका क्वेश्चन क्या था, मतलब आप हम सीक्वेंस को क्या दिए थे? One, A by R, A R, A का वैल्यू 6, if I go for R is equal to 3, then your sequence will be 6 by 3, 2, ये आपका 6 मिलेगा, ये 6 into 3, 18, नहीं, if you take R is equal to 1 by 3, आपको ये उल्टा दे देगा, 6 upon 1 by 3, that is 18, 6, समझा? So there are two sequence, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स पूछा था तो आप एक लिखोगे भी चलेगा, सीक्वेंस पूछेगा तो यू हैव टू राइट बोथ, बट यहाँ पे क्वेश्चन था कि फाइंड नंबर्स नॉट सीक्वेंस, सो कोई एक लिखोगे भी करेक्ट, ये लिखोगे करेक्ट, ये भी लिखो करेक्ट, दोनों लिखोगे करेक्ट, सीक्वेंस पूछेगा तो बोथ यू हैव टू राइट। यस सर। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय टू, मतलब टी वन इज द टी टू प्लस टू एंड एस इंफिनिट इज द 50, फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी एक्सीड द सेकेंड टर्म बाय टू एंड एस इंफिनिट इज द 50, find sequence. What is the T1? GP का T1 क्या होता है? A. T2 क्या होता है? AR plus 2. That implies A into 1 minus R is equal to 2. ये एक मेरे पास है. S infinity क्या होता है? A by 1 minus R is equal to 50. इसमें क्या कंडीशन होता है? इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? Mod of less than 1 or you can write R lies in between minus 1 से लेके plus 1, ठीक है? ये आपका इक्वेशन 2, अब डाल दो। 1 माइनस आर कितना लिख सकते हैं? यू कैन राइट 2 बाय ए, टू बाय तो ए अपॉन 2 बाय ए इज इक्वल टू 50, तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर होगा 100
दैट इंप्लाइज ए हो जाएगा प्लस माइनस 10, ठीक है। अब वन में डालो कि टू में डालो, केस वन, इफ ए इज इक्वल टू 10 दैट इंप्लाइज वन माइनस आर हो जाएगा 2/10 और 10 इंटू वन माइनस आर होगा 2, दैट इंप्लाइज वन माइनस आर हो जाएगा 1/5, देन आर हो जाएगा 4/5 एंड 4/5 लाइज इन बिटवीन माइनस 1 टू प्लस 1, तो सीक्वेंस क्या होगा 10 a r 10 इंटू 4/5 मतलब कितना आया 8, डायरेक्टली लिखता हूं 8 इंटू 4/5 32/5 ऐसा आएगा। केस टू, इफ a इज द माइनस 10 that implies minus 10 into 1 minus r is the 2, that implies 1 minus r equal to minus 1/5, so r kitna ho jayega 6/5 which is more than 1, to iske sath aap ja nahi paoge, to jisne do set likhe the na wo galat hai, ye correct hoga ye lekin galat hoga, समझा क्यों गलत जा रहा है। अच्छा अनदर थिंग, अब देखो ये सीक्वेंस में आपका 10 मिला, देन -12 मिला, -72/5 मिला, इसका मतलब ये तो कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, कोई भी टर्म इसका पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। जब पॉजिटिव नहीं हो रहा है तो सम कैसे 50 आ जाएगा, सर ये भी आप अप्लाई कर सकते थे, कोई भी टर्म इसका पॉजिटिव नहीं होगा, तो सम ऑफ ऑल इनफिनिट नंबर ऑफ आपका नेगेटिव टर्म्स तो कभी भी 50 दे नहीं पाएगा, ठीक है, तो इसलिए कभी नहीं होगा। नीचे कर सकते थोड़ा, करता हूं और एक फर्स्ट वन डिस्कस कर देता हूं, फिर ये फर्स्ट वन क्या था, फाइंड सम ऑफ 50 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1103 एंड देन 1005 एंड सो 1005, इसका नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ठीक है ऐसे होगा सर। कैसे सीक्वेंस से हमेशा एक पैटर्न में पैटर्न फॉलो करता है, तो कैसे बोलोगे तो फिर आपको तो देखना पड़ेगा कैसे आ रहा है, ऐसा नहीं कि देख लिए पूछ लिए कैसे, कुछ तो सोचो फिर पूछो। सर मेरे को भी लगा ऐसा आएगा लेकिन कैसे आता वो नहीं समझा। 11 रखेंगे 10 प्लस 1, ये एक्चुअली जीपी में नहीं है, इट इज द मिक्स ऑफ एपी एंड जीपी, ये होगा 10² + 3, ये होगा 10³ + 5, एक जीपी जा रहा है एक एपी जा रहा है, 10⁴ + 7 ऐसे जा रहा है, दिस इज योर T1, ये T2, ये T3, ये T4 लाइक दैट। इसको मैं अलग अलग कर देता हूं, दो ग्रुप बना रहा हूं, एक ग्रुप बनाएंगे 10 का ग्रुप मतलब 10, 10² 10³ एंड सो ऑन, लास्ट टर्म क्या होगा 50 टर्म्स का सम पूछ रहा है, लास्ट टर्म क्या होगा ये ग्रुप में 10 टू द पावर
10 टू द पावर 50 क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 आ रहा है, सेकंड में 2 आ रहा है, थर्ड में 3 आ रहा है, प्लस ऑल सेकंड मतलब 1 3 5 7 इसको एक ग्रुप बनाएंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड सो ऑन अप टू 50 टर्म्स। यस सर। अब ठीक है तो हम इसका सम निकालेंगे, इसका भी सम निकालेंगे, ये आपका जीपी में जा रहा है, ये आपका एपी जा रहा है, ये जीपी का सम कितना होगा, व्हाट इज योर ए एंड आर, इसमें ए 10 आर भी 10 ठीक है, इसका सम कितना हो जाएगा ए इंटू आर टू दी पावर 50 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, प्लस इसका सम क्या होगा, इसका याद रखो ये एन स्क्वायर होता है, ओके ये 50 का स्क्वायर होगा, मैं बताता हूं कैसे हो रहा है, इसका ये क्या होगा एस एन क्या होगा एन बाय टू होल इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना टू, तो ये माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टू इंटू 50, तो 50 बाय टू इंटू टू इंटू 50 मिला ना 50 स्क्वायर, चाहो तो आप ये चीज को भी नोट कर सकते हो 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन अप टू फर्स्ट एन टर्म्स ऑलवेज एन स्क्वायर होता है, ओके क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होगा एन बाय टू होल इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इधर माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा एन बाय टू इंटू टू एन विच इज एन स्क्वायर, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, एनी हाउ बस आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं, ये 9 ये आ जाएगा आपका 10 बाय 9 इंटू 10 टू दी पावर 50 माइनस 1 प्लस 2000 ऐसे ही लिखो। समझा राइट डन तो थोड़ा नीचे ले सकते हैं।